नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक के बाद एक नई तबाही सामने आ रही है। इस समय अमेरिका में हेलेन चक्रवाती तूफान तबाही मचा रहा है। हेलेन चक्रवाती तूफान बेकाबू हो गया है। तूफान ने खतरनाक रूप ले लिया है। भीषण तबाही में अब तक 42 लोगों की मौत हो गई है। हेलेन तूफान खतरनाक और विनाशकारी श्रेणी 4 के तूफान में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है कि यह है इस साल अमेरिका में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस तूफान से अमेरिका के 4 राज्य बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, जिनमें फ्लोरिडा, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिण कैरोलिना शामिल हैं। सबसे ज़्यादा मौतें इन्हीं राज्यों में हुई हैं। शुक्रवार को हेलेन तूफान ने फ्लोरिडा और पूरे दक्षिण पूर्वी अमेरिका में तबाही मचाई। इससे पहले तूफान गुरुवार को देर रात ही फ्लोरिडा में दस्तक दे चुका था। बिग बेंड इलाके में दस्तक के दौरान तूफान की गति करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसके साथ ही ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस तूफान के चलते 6 मीटर तक की लहरें उठ सकती हैं। भारी तूफान के चलते लोगों के हालात बदतर हैं। इलाकों में बिजली गुल हो गई है। राहत और सुरक्षा बल लोगों को तूफान प्रभावित इलाकों से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमेरिका से। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में तूफान का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में तबाही से लोगों के हालात बिगड़े हुए हैं। अमेरिका के पेरी और फ्लोरिडा में बारिश के चलते इमारत ढह गई है। पेरी में हवाओं की रफ्तार ने लोगों को बेहाल रखा है। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, दक्षिण कैरोलिना में बिजली गुल है। करीब 40 लाख घरों के अंदर अंधेरा छा गया है। उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट और दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन पर कई घरों पर पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या अब तक 42 हो गई है। ये अमेरिका के अंदर इस साल का सबसे शक्तिशाली और भयानक तूफान माना जा रहा है। आज रात इसका सीधा असर अमेरिका के इन 4 राज्यों के ऊपर रहने वाला है, इसलिए रात के समय सावधान रहें।